हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। आज हम जाने वाले हैं सुंगरी, जो कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, जो रामपुर रोड था उसी रोड में हम जा रहे हैं। PWD डिपार्टमेंट द्वारा रोड को साफ किया जा रहा है JCB की मदद से। अभी ये बर्फ़ वाले रास्तों में सिर्फ और सिर्फ 4x4 गाड़ियाँ ही निकल पा रही हैं, क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा होने के कारण जो है छोटी गाड़ियाँ जो है स्किड कर जाती है, जिससे कि एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी हम एग्जैक्ट पहुँचे हैं समरकोट। अब देखिए कितना ही ज़्यादा बर्फ़ ये रोड पे है। अभी तक मैंने 4x4 एंगेज नहीं किया है, अभी ये गाड़ी 4x2 में ही चल रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अभी तक 4x4 एंगेज नहीं किया है, तो इस वजह से जो गाड़ी थोड़ी सी यहाँ पे फंस गई थी, उसके बाद जाके हमने 4x4 एंगेज किया। आप देख सकते हैं 4x4 के साथ गाड़ी काफ़ी आसानी से यहाँ से निकल गई। इस वक्त हम ब्लून कैंची पहुंचने वाले हैं। अभी हम सुंदरी से थोड़ा सा दूर है ब्लून कैंची के साथ, तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी वाले की गाड़ी यहाँ फंस चुकी है, तो हम भी यहाँ से आके नहीं जा पाएंगे। अभी हैवी स्नोफॉल होने के कारण रोड पर जो है पेड़ गिर गया है। हम यहाँ से गाड़ी निकालने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये कितना गहरा है। देख सकते हैं वैसे तो ये काफ़ी बड़ा पेड़ है, तो इसको हम टो स्ट्रैप की मदद से इसको हटाने की कोशिश करेंगे।
तो उस ट्रैप को हम इस जगह लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस पेड़ को हम हिला भी नहीं पा रहे हैं। तो अब हम गाड़ी को इस पेड़ के ऊपर से क्रॉस करवाने की कोशिश करते हैं। पत्थर रखेंगे थोड़ा और आने दे, और थोड़ा हल्का, एक सूत दूसरा भी रख ले शायद पत्थर। अच्छा दो यही है ऑलरेडी, यही है ना, पक्का पता नहीं ऐसे आने दे। अब नीचे की ओर कटिंग कर, नीचे की ओर। कुछ इन भाइयों ने भी हमारी हेल्प की गाड़ी यहाँ से निकालने में। चढ़ गई। सुनो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि गाड़ी का अगला हिस्सा निकल चुका है, बट ये वाला हिस्सा यहाँ से नीचे लग रहा है पेड़ में। उसके बाद हमने गाड़ी को वापस निकाला यहाँ से, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास रिकवरी टूल ना हो तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें जिससे कि आपको और आपकी गाड़ी को नुकसान पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।